जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, हाजिर हूं आपके लिए मैं वीकली राशिफल लेकर के। 22 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच में क्या होने वाला है आपके साथ, चलिए आज हम जानेंगे। अब आप कहते होंगे, गुरु माँ राशिफल लेकर के आप बार बार क्यों आ जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटी थी, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा था, मैं बहुत परेशान थी, फैमिली इश्यूज थे लाइफ में, तो उस समय में मैं रोजाना राशिफल सुना करती थी। और राशिफल सुनने से मुझे इतना पॉजिटिव लगता था, समझ में आता था, प्लान आउट होता था, और मुझे ये महसूस होता था कि नहीं, आज जो भी, चाहे अंधेरा कितना भी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में उजाला ज़रूर होगा। और वही इसी भावना के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपके लिए ये राशिफल लेकर के आती हूँ। आप इसे सुनते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, और ये विश्वास रखें कि आज चाहे समय आपका खराब है, आने वाले समय में आपका समय जरूर बदलेगा, भगवान की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की राशि पर आधारित है। जिन व्यक्तियों को अपनी जन्म कुंडली वाली राशि नहीं पता है, तो नाम राशि से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। और साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो भी आभास रूप में भगवान से मुझे पता चलता है, वो भी मैं इस राशिफल के माध्यम से आपके साथ साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ, ताकि आप अपना आने वाला समय प्लान कर सकें और पॉजिटिव उस समय में बने रहें। कर्क राशि वालों, 22 से लेकर के 28 जनवरी तक कैसा जाएगा आपका हफ्ता, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये हफ्ता आपके लिए शांति लेकर के आएगा, मानसिक शांति। आप बहुत समय से जो बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आपकी सिचुएशन हो रही है, आप मन को कभी सोचने होगा कि नहीं होगा, कि होगा कि नहीं होगा, तो उसमें एक बहुत शांति इस पूरे हफ्ते आपको महसूस होगी। दूसरा, मुझे काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, जैसे कोई नया प्रपोजल, नया रिश्ता, नए किसी व्यक्ति से आपका मिलना जो कि आप जैसा है, उसमें आप जैसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, ऐसे किसी व्यक्ति से इस हफ्ते में आपकी मुलाकात हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं बातचीत शुरू होनी स्टार्ट हो सकती है। जो लोग शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो कोई अच्छा रिश्ता शादी के लिए आपका आ सकता है, जो कि आगे चल के आपके जीवन साथी बने। और बहुत से लोग ऐसा दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ही आप अपने आप को, अपने आप से ऐसे कहते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, बस हम थक गए हैं, भगवान अब तो बस ये कष्ट को अंत कर दो, अब हम इसे नहीं सह सकते हैं। तो ऐसी बातें आप खुद से कुछ समय से कर रहे हैं, और इसी वजह से अब जो भगवान है, जो यूनिवर्स है, वो आपको कुछ ऐसी चीजें देने वाले हैं, क्योंकि आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हो, और वो आपको ऐसी चीजें देने वाले हैं, जो ऐसे गिफ्ट आपको मिलेंगे, ऐसे उपहार मिलेंगे, जिसे देख करके आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे, और आप शुक्रिया अदा करते हुए, भगवान को धन्यवाद करते हुए नहीं थकेंगे। वो चीज इस हफ्ते में आपको मिलने वाली है। कुछ लोगों को उनके फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव कैसे हो सकती है, तो उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर रिश्ते मदर के साथ अच्छे नहीं है, तो उसमें भी सुधार होगा, कुछ बेटर आपके लिए होते दिखाई दे रहा है। जहाँ बिल्कुल ही आपके अंदर सारी चीजें जैसे समाप्त सी हो गई थी, आपको बिल्कुल भी किसी चीज के लिए मन नहीं लगता था, कुछ भी करना अच्छा नहीं लग रहा था, उन सारी चीजों में ये हफ्ता बहुत चेंज लेके आएगा। आपके अंदर नया चेंज होगा, आप खुद को रिवाइव्ड महसूस करेंगे, आप खुद को रिजुविनेटेड महसूस करेंगे, कुछ नया, ऐसे जैसे कुछ नया आपके अंदर से निकल रहा है, कुछ नया एक्साइटमेंट आपको फील हो रहा है, तो वो सिचुएशन आपकी चेंज होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर की, भीतर की चीजें भी काफी चेंज हो रही हैं। जय शनिदेव, मैं गुरु माँ के दरबार में आई। ये वीरवार को दरबार लगाया जाता है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, निःशुल्क लगाया जाता है, सभी को जो आते हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक उनको मैंने सारी बातें समझाई जाती है, जैसे भी उनके ग्रह होते हैं उनके हिसाब से उनको मंत्र दिए जाते हैं, वो होते हैं, उनके सबके काम सिद्ध होते हैं। इसी तरह मेरे ने भी अपनी बिटिया के लिए, नौकरी के लिए प्रार्थना लगवाई थी, तो मेरी भी बिटिया का काम सिद्ध हो गया, तो गुरु माँ की कृपा से सभी के काम सिद्ध होते हैं। जय शनिदेव। अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप चल रहा है और वो अच्छा नहीं चल रहा है,
तो उसमें थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है, क्योंकि वो अभी समाप्त होते दिखाई नहीं दे रहा है और आप कहीं ना कहीं उसको समाप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आपके पैर में एक तरीके से बेड़ियां डाले हुए हैं। तो इस हफ्ते में तो वो समाप्त होता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके साथ न्याय जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसी बात जिससे आप क्लियर हो जाएंगे। जहां आप फंसे हुए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये व्यक्ति सही है क्या, हम इसके लिए साथ सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कहीं हम इसके साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग से आप बाहर निकल जाएंगे। आपको उस व्यक्ति के सही रंग दिखाई देंगे, ढंग दिखाई देंगे और आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। तो वो न्याय आपके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप काफी सोच विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे इस समय में, ऐसा भी दिख रहा है। और बहुत प्योर हो जाएंगे आप, बिल्कुल ही जैसे शांत और एकदम झील की तरह शांत, और उसमें किसी प्रकार की कोई विचार नहीं, बिल्कुल शांति आपको महसूस होगी, बहुत प्योरनेस आपको महसूस होगी इस समय में, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपके ऑफिस में किसी भी प्रकार की उथल पुथल चल रही थी तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे प्रभावित होंगे और जो भी उथल पुथल चल रही वो उसको सॉल्व करने के लिए उसमें इंटरफियर करेंगे। तो आपको या तो प्रमोशन मिल सकता है जिसकी वजह से आप ही खुद हायर लेवल पे पहुंच जाए, या फिर हायर लेवल के लोग जो हैं वो आपको रिकग्निशन देंगे, देखेंगे आपको, समझेंगे कि नहीं आप सही हैं, आप सही काम कर रहे हैं और आपको अप्रिशिएट करेंगे। और हो सकता है आने वाले समय में आपको प्रमोशन के लिए वो योग्य माने और चुने। तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी पोजीशन के जो लोग हैं आपकी कंपनी में या आपकी जॉब की जगह पे, उनसे आपका संपर्क होता दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी चीज आपके लिए दिखाई दे रही है। कोई विश आप मांग रहे हैं भगवान से, वो विश आपकी पूरी होने के तरफ स्टार्ट हो जाएगी। ये हफ्ता जो है वो आपकी विश को स्टार्ट कर देगा कि वो पूरी होने की तरफ जा रही है, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने नेगेटिव विचारों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि विचार आपके आप ही को परेशान करेंगे। अगर किसी भी चीज़ को स्टार्ट में ही आप नेगेटिव हो जाएंगे या डर जाएंगे या आगे स्टेप नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा आपको नेगेटिव विचारों से दूर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग जो है वो मुझे किसी यज्ञ में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग किसी ऐसे स्थान पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे धार्मिक आयोजन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, आपको आशीर्वाद लेना चाहिए देवी देवताओं का, भगवान का, उससे जो भी अड़चने जीवन में आ रही है आपकी जरूर सॉर्ट आउट होगी। तो ये हफ्ता मोर और लेस आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसको इंजॉय कीजिए, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मिलते हैं दोबारा। तो ये था आपका इस हफ्ते का राशिफल। अगर आप बहुत समय से राशिफल फॉलो कर रहे हैं और आपको मैच नहीं कर रहा है, या आपको कुछ कुछ बातें मैच करती हैं, या आपको लगता है कि हर चीज़ पॉजिटिव है लेकिन आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, आपकी लाइफ में वो कृपा नहीं आ पा रही है, तो मेरा यही आपको सजेशन होगा, एक बार अपने ग्रह जरूर चेक करा लें। हो सकता है कोई खराब दशा आपकी चल रही है जिसकी वजह से आपको आसमान में तो चेंजेस हो रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली अवश्य चेक कराएं। हमसे चेक कराना चाहते हैं तो हम निशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, उसके लिए आप कभी भी दरबार में आ सकते हैं। हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं, ना केवल जन्म कुंडली देखेंगे, समस्या है तो उसका निवारण भी निशुल्क करेंगे। मात्र एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाए और शनिदेव और नवग्रह देवताओं की कृपा अपने साथ ले जाए। तो ये था आपके अगले हफ्ते का हाल, फिर से मुलाकात करेंगे नए किसी वीडियो में, इसी प्रकार से आपको ज्ञान देते रहेंगे। सनातन धर्म की जय हो, भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें, यही मेरी कामना है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।